आप भी चाहते हैं आज भारतीय टीम दूसरे वनडे में अफ्रीका टीम को हराए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अब कुछ ही देरी में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच शुरू होने वाला है। बताएंगे आपको पूरी खबर कि कप्तान राहुल ने आज दूसरे वनडे में अफ्रीका को हराने के लिए किन किन खिलाड़ियों को शामिल किया है। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताएं कि भारतीय टीम का कौन सा खिलाड़ी आज शतक बनाएगा। अपनी राय आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच भारतीय टीम अफ्रीका के खिलाफ 31 रनों से हार गई थी और पहले मैच में ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन ने शानदार 79 रन जबकि कोहली और ठाकुर ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी। लेकिन टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों के रन न बनाने की वजह से भारतीय टीम पहले मैच को हार गई थी। लेकिन अब थोड़ी ही देर में दूसरा वनडे मैच बोलैंड पार्क में ही खेला जाना है जहां आज भारतीय टीम किसी भी हाल में अफ्रीकी टीम को हराना चाहेगी, क्योंकि अगर आज का मैच अगर भारतीय टीम हार जाती है तो उसे टेस्ट मैच की तरह ही वनडे सीरीज भी गंवानी पड़ेगी। इसलिए कप्तान लोकेश राहुल ने अपने टीम को जीत दिलाने के लिए अपने टीम में खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया है। तो चलिए आपको बताते हैं कप्तान लोकेश राहुल ने आज दूसरे वनडे मैच में किन किन खिलाड़ियों को शामिल किया है। दोस्तों ओपनिंग की जिम्मेदारी राहुल ने खुद के साथ साथ लंबे समय बाद टीम में वापसी कर रहे एक बार फिर शिखर धवन के मजबूत कंधों पर सौंपी है, जिन्होंने पहले मैच में शानदार 79 रन बनाकर टीम में अपनी काबिलियत को साबित किया था। वही तीसरे नंबर की जिम्मेदारी कप्तान राहुल ने शानदार बल्लेबाज विराट कोहली के कंधों पर रखी है, जिन्होंने पहले मैच में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी। वही चौथे नंबर पर कप्तान राहुल ने एक बेहद ही बड़ा बदलाव किया है, श्रेयस अय्यर की जगह शानदार फॉर्म में चल रहे सूर्यकुमार यादव को दूसरे वनडे के लिए मौका दिया गया है। वही पांचवे नंबर पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत तो खेलेंगे ही और छठवें नंबर पर वेंकटेश अय्यर को एक ऑलराउंडर के तौर पर मौका दिया है, जबकि स्पिन में अश्विन तो खेलेंगे ही। लेकिन चहल की जगह कप्तान राहुल ने आज के मैच में मोहम्मद सिराज को मौका दिया है, जबकि तेज गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह शार्दुल ठाकुर तो खेलेंगे ही। लेकिन भुवनेश्वर कुमार की जगह कप्तान राहुल ने दीपक चाहर को आज का मैच खेलने का मौका दिया है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं क्या आज भारतीय टीम साउथ अफ्रीका को हरा पाएगी। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।